स्वच्छता एक समावेशी अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम स्वच्छ घर, स्वच्छ समुदाय और संस्थान से बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करते हैं। असल में स्वच्छता जीवन जीने का तरीका है। सुरक्षित स्वच्छता प्रथाएं इस देश के लोगों के जीवन स्तर का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण सूचक है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2012 में लोगों के आगे रखे गए तथ्यों के अनुसार भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा खुली हवा में शौच करने वाला देश है। भारत की खुली हवा में शौच करने की हिस्सेदारी पूरी दुनिया का 60% है। इसमें महाराष्ट्र का योगदान 6.6% है। अनुपचारित मानव अपशिष्ट न केवल सृष्टि के सौंदर्य में बाधा बनते हैं बल्कि जैविक प्रदूषण और कई संक्रामक रोगों का कारण भी बनते हैं। पेचिस, दस्त, अमीबॉयसिस, वायरल हेपेटाइटिस, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां भूजल और पीने के पानी के प्रदूषण से फैलती हैं। वर्ष 2015 में गुडियर इंडिया लिमिटेड, गुडियर साउथ एशिया टायर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज़ ने हेल्दी इंडिया प्रोग्राम द्वारा महाराष्ट्र के 9 गांवों को खुली हवा में शौचमुक्त करने के उद्देश्य से एक साझेदारी की। गुडियर दुनिया की सबसे बड़ी टायर कंपनियों में से एक है। यह कंपनी समाज और पर्यावरण की देखरेख करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं IHB तनाव कम करने और ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जमीनी स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल रहती है। IHB इन प्रयासों के द्वारा मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों के संवर्धन के लिए प्रयासरत है। हेल्दी इंडिया प्रोग्राम के उद्घाटन के पूर्व रूरल मैनेजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसके द्वारा लक्षित गांवों के 24 युवाओं को इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए सशक्त किया गया। सर्वे में ही बहुत सारे रिजल्ट गांव में क्या चाहिए वो सामने आ गए। बाकी के तो टूल्स बाकी थे, तो जैसे कि हमारे गांव को 97 टॉयलेट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो हमें सर्वे के माध्यम से ही पता चला। और जैसे ही ये इस RMTP में आ गए तो बहुत इजी लगा। इस कार्यक्रम ने सफलतापूर्वक 642 घरेलू शौचालय बनाए। ये शौचालय दो प्रकार के हैं। पहला ईंट और गारे से बना है जिसमें सोकपिट की व्यवस्था है और दूसरा शौचालय प्रीफैब अर्थात पूर्व निर्मित है जिनमें बायोडाइजेस्टर का इस्तेमाल किया गया है। इन पूर्व निर्मित शौचालयों को मुख्य रूप से ऐसी जगहों पर बनवाया गया है जहां प्रतिकूल स्थलाकृति और पानी की उपलब्धता भी सीमित है। इन शौचालयों में एक ऐसी फ्लशिंग प्रणाली का उपयोग होता है जिनमें कीड़े मकोड़ों द्वारा मनुष्य मल को वर्मी कंपोस्ट में बदला जाता है। ग्रामीण प्रबंधकों ने बड़े पैमाने पर गांव के समुदायों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया ताकि उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों पर संवेदनशील बनाया जा सके। इन कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण समुदायों की मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने में बहुत सहायता मिली। प्रत्येक गाँव में ग्रामीण प्रबंधकों के समर्थन के लिए 5 सदस्यीय स्वच्छता समिति का गठन किया गया। इन समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों, स्थानीय नेताओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया गया। सांगितलं की माझ्या सासूला शौचालयाला गेल्यानंतर कुत्रा डसलं, पिसाळलेलं पुन्हा। म्हणजे हा खूपच वाईट प्रसंग आहे आणि इतक्या हाय क्वालिटीचं, म्हणजे मी तर म्हणतो की भारतात अशा क्वालिटीचे शौचालय कुणीही बांधून देत नाही। तुमच्या शिकलेल्या नोकरीवाल्या मोठ्या पैशावाल्या पाहुण्याकडच्या घरामध्ये सुद्धा अशा प्रकारची लाईट फिटिंग नाही आहे, तुम्ही ती पाहिली असं। आणि राहिलेल्या शौचालयाला आपण आता स्लॅब टाकतोय, म्हणजे इतकं हाय क्वालिटीचं काम आपण करतोय, तुमचा प्रतिसाद अपेक्षित आहे। शौचालय निर्माण ने बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाया, महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई। इन शौचालयों ने विकलांगों को भी एक जीवन में एक नई दिशा दी। प्रत्येक लाभार्थी ने शौचालय निर्माण के खर्च में कुछ योगदान दिया है। समुदाय के योगदान और सुरक्षित स्वास्थ्यकर प्रथाओं के महत्व के एहसास ने जो स्वामित्व की भावना लाभार्थियों में विकसित की है उससे यह कार्यक्रम लंबे समय तक स्थायी बना रहेगा। संडासनी सगळ्या लोकांची सोय झाली चांगली। आता आमच्या म्हाताऱ्या माणसाची तर लई चांगली सोय झाली। आता आम्हाला तिकडं काट्या कुपट्यात जावं लागत होतं, इथू काढा काटी कुपटी काय वाटल ते त्रास होता, आता ह्याच्यामुळं चांगलं झालं। संडास झाल्यामुळं चांगलं झाले, माझं जाता येता येत नव्हतं बाहेर कुठं, त्यामुळे आता माझी चांगल्या पद्धतीची सोय झाली। अभी बारिश पानी में बाहर जाना पड़ता था, अभी ये शौचालय घर में हुआ तो अभी बहुत अच्छा होगा, हमको अच्छा लग रहा है। 2015 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुले में शौच का दर 31% नीचे आ गया है। 1990 में यह दर 75% था।
पर 2015 में यह प्रतिशतता 44 रह गई है। हेल्दी इंडिया प्रोग्राम भारत को खुले में शौच मुक्त और स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।